छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने भिलाई नगर निगम के धरना स्थल पर आकर कर्मचारियों का उत्साह वर्धन किया। कमल वर्मा ने बजरंग बली की पूजा अर्चना कर कर्मचारियों को संबोधित किया। दो सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल जारी है। हड़ताल में सभी विभागों के कर्मचारी शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रखे जाने की बातें कही हैं। कर्मचारियों की हड़ताल अब निर्णायक दौर पर पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा अपने दुर्ग प्रवास के दौरान भिलाई में हड़ताली कर्मचारियों के बीच पहुंचे और उनका उत्साहवर्धन किया। कमल वर्मा का स्वागत कर्मचारी नेताओं द्वारा पुष्पहार से किया गया। कमल वर्मा ने स्थल पर पूजा अर्चना कर कर्मचारियों को संबोधित किया और कहा कि कोई न कोई समाधान अवश्य निकलेगा। हमें 109 से अधिक संगठनों का समर्थन प्राप्त हो रहा है। हड़ताल की जानकारी कर्मचारी नेता संजय शर्मा, रीता चतुर्वेदी और आचार्य शशिभूषण मोहंती ने दी। आज हम लोग का कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत तो कमल वर्मा जी जो संयोजक है कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के, उनको आह्वान किया राजेश चटर्जी जी ने जिला मुख्यालय में, जो हमारे सह संयोजक हैं। तो राजेश चटर्जी जी आज पूरे कर्मचारियों के साथ विशाल मशाल रैली निकलवाना चाह रहे थे, तो वो कमल वर्मा अपने साथियों पदाधिकारियों के साथ में आकर के उन्होंने बजरंग बली जी का आशीर्वाद दिया, मत्था टेका और उनको आशीर्वाद मिला दिया गया। और हम लोगों ने फूल से, बुके से और श्रीफल से और श्रीफल नारियल से उनका स्वागत किया। फिर उन्होंने अपने उद्बोधन में बोला कि यह पहला आंदोलन 21 साल में जो कि इतना बड़ा महा आंदोलन है जिसमें न्यायालय भी बंद है और डिप्टी कलेक्टर तहसील न्यायालय से लेकर सारा चीज़ टोटल 106 से लेकर 109 संगठन आज की डेट में हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम उनको अपने बीच पाकर के साथियों, आप लोग का संघर्ष, आप लोग की मेहनत बेकार नहीं जाएगी और निश्चित तौर पर आज या कल में दो एक दिन में कोई ना कोई सकारात्मक हल निकलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और चीफ सेक्रेटरी जी हमें बात करने, वार्ता करने बुलाएंगे और हम लोग चाहते भी हैं समाधान अच्छे ढंग से हो जाए, क्योंकि आवश्यक सेवा को हम लोगों ने छोड़ के रखा है। हमारे स्वास्थ्य साथी कर्मचारी संघ के पदाधिकारी और कर्मचारी कांग्रेस के, छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस के और अजाक्स के तमाम कर्मचारी, हमारे भाई बहन कर्मचारी एकजुटता के साथ नगर निगम भिलाई में डटे हुए हैं। बिल्कुल, हम अपेक्षा रखते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वो हमारी मांगों पर जरूर ध्यान देंगे। हम महिलाओं ने कल उनको राखी भेजी है उनको, और राखी बांध के बड़े भाई से एक अपील की है कि वो हम महिलाओं की मांगों को पूरा करें और उनको जैसे उन्होंने प्राथमिकता दी है वैसे इस मांगों को भी प्राथमिकता देते हुए उस मांगों को पूरा करें। बस यही उनसे निवेदन है और सभी मेरे भाई और बहनों से निवेदन है कि उनको भर भर के राखियां भेजें ताकि वो अपने इस काम को अंजाम दें। हमकारी दो सूत्रीय मांग है बस, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये इनको वो सहज ही पूरा कर सकते हैं, बस यही अपेक्षा उनसे। तो साथी कर्मचारी संघ के हम कार्यालय मंत्री हैं। ये विगत चौथा चरण का पांचवा दिन है। हम लोग अहिंसा में, सत्याग्रह में विश्वास रखते हैं और ये सत्य की लड़ाई है। और ये जो डीए है, महंगाई भत्ता है, एक पेमेंट का हमारा पार्ट है और हम ये उम्मीद रखते हैं, ये भगवान राम का ननिहाल है, यहाँ सत्य का जीत होगी। और जब तक सत्य झुक सकता है, झुक नहीं सकता, परास्त नहीं हो सकता, हम अहिंसात्मक आंदोलन तब तक करेंगे जब तक ये कर्मचारी के हित में, जनहित में ये हमको सफलता नहीं मिलती है। ये हड़ताल जारी रहेगा और आवश्यक पड़ने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल के साथ साथ आवश्यक सेवा भी ठप रहेगी। ये हमारी तरफ से एकदम घोषणा है और इसको हम करके ही रहेंगे। हम किसी प्रकार के शासन तंत्र के खिलाफ नहीं है, परंतु हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसका हम प्रतिरोध करेंगे, ये हमारा स्वधर्म है। बहरहाल कर्मचारी अपनी मांगों पर अडिग है, जिसकी वजह से आने वाले समय में नगर निगम की आवश्यक सेवाओं को भी बाधित किया जा सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।